छुटका भावरिया, बड़े पापा के लिए पानी ला तो जरा। भाजी, कहा कहा पंडित जी ने? भैया, गोली और प्रत्युष की शादी कब तक कर सकते हैं? पंडित जी ने शादी का कोई शुभ मुहूर्त बताया? कब का? कल का। कल का? भैया, लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? गोली कहती है कि शादी बिल्कुल सादे तरीके से होनी चाहिए, कोई ज्यादा धूमधाम नहीं, बस जरूरी रीति रिवाजों के साथ। वो सब तो ठीक है, पर थोड़ा देर बाद का मुहूर्त नहीं ना था का? नहीं, अगला मुहूर्त अगले महीने के अंत में है और हम नहीं चाहते कि गोली और प्रत्युष को इतने दिन उनकी खुशियों से दूर रखा जाए, इसलिए हमने उनके मामा मामी से भी बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपके खिलाफ आज तक गए जब जाएंगे, आपने निर्णय लिया तो सोच समझ कर ही लिया होगा। चंद्रू ठीक कह रहा है, अगर आपका यह इच्छा है तो ब्याह कल ही होगा। भला हो ऑनलाइन वालों का जो इतनी जल्दी सामान पहुंचा देते। गोली दीदी, कल हमने आपके लिए ये साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बस एक यही थी जो इतनी जल्दी आ सकती थी। नहीं भाभी, हम ये लाल रंग नहीं पहनेंगे। तो फिर आप शादी में क्या पहनेंगे गोली बुआ? बोली दीदी, आप ये साड़ी पहनेंगी? बुआ, प्लीज, आज आपकी शादी है और शादी में लाल रंग पहना जाता है। क्योंकि लाल रंग शुभ होता है और शगुन का रंग माना जाता है। बुआ, बेटा, हमारे परिवार में जब भी कोई खाना नहीं खाता ना, तो पूरा परिवार भूखा रहता है। लाल जोड़ा पहनकर हम कैसे शगुन मना ले? ये शादी सिर्फ बड़े भैया की बात का मान रखने के लिए कर रहे हैं। अब शादी में हम क्या पहनेंगे ये हम तय करेंगे। आज अगर अनु हमारे बीच होता, हमारी विदाई पे बहुत रोता, विदाई का गाना भी गाता। जब भी घर पे कोई फंक्शन होता था ना, सब बस अनु बेटा जरा ये करना, अनु बेटा जरा वो करना, अनु 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 को पानी पीने तक की फुर्सत नहीं थी बेचारे को। आज हमारी शादी हो रही है, घर में फंक्शन है और जैसे सन्नाटा सा छाया हुआ है। काश काश हनु हनु कहीं से आ जाए और हनु कहीं से आ जाए। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? चल खाना खा ले, थोड़ा सा खा ले। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहा है?
भूखने लगी। इसका हमेशा से यही है, भूखने लगी। घर का खाना अच्छा नहीं लगता क्या तुझे? यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ अच्छा नहीं लगता? क्योंकि तू यहाँ का नहीं है। तेरे घर परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन तुझे तो अपना नाम भी पता नहीं है, पता है? अच्छा सर, जब तक तुझे कुछ याद नहीं आ जाता ना, तब तक तू इसे अपना ही घर समझ, ठीक है? अच्छा सुन, एक खेल खेलते हैं। मैं तुझे अपने बारे में एक बात बताऊंगी और तू मुझे अपने बारे में एक बात बताना, ठीक है? मैं एक लड़की हूँ, मैं मछुआरों की बस्ती में रहती हूँ। मैं भी मछुआरों की बस्ती। मेरा नाम वीना है। मेरा नाम क्या? अरे कितना परेशान कर रही है उसको, देख नहीं रही है कि इसका घाव भी सूखा नहीं है अभी तक। अगर ज्यादा जोर डालेगा सिर पे तो उसके सर में दर्द हो जाएगा। ऐसे ही जा रही है, लगता है आजकल तूने आईना देखना छोड़ दिया है। आईना देखकर सजू भी तो किसके लिए? आज गोली की शादी है। रियली? पर उन लोगों ने हमें इनवाइट नहीं किया ना? बुरा तो मुझे भी लगा। मेरा तो ठीक है, समझ में आता है, पर आप तो उनकी समधन है। एनीवे, आपको ये किसने बताया? युग का फोन आया था, तुझे भी फोन कर रहा था, शायद तेरा फोन नहीं लगा। वो लोग धीरे धीरे अनुभव के जाने के गम से बाहर आ रहे हैं। गोली बुआ ने शादी करने का फैसला किया है, अब आप भी अपने और अपनी बेटी के बीच की दूरी आप उठा दीजिए। वो मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी है। मुझे उसकी नहीं तेरी चिंता है। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने तो अब ये जॉब पर जाना भी शुरू कर दिया है, मेरा मन लगा रहेगा। तू अनुभव को भूल गई? खुद को भूल सकती हूँ पर अनुभव को नहीं। हाँ, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि अनुभव को अपनी ताकत बनाऊं, कमजोरी नहीं, इसलिए अब मैं वही कर रही हूँ। वो सब कर रही हूँ जो अनुभव चाहता था।
नए लोगों से मिल रही हूँ। आम लोगों से मिलकर उनके बीच में छुपे रियल लाइफ हीरोज को ढूंढ रही हूँ ताकि उनको दुनिया के सामने ला सकूं। आपको पता है कल मैं मछुआरों की बस्ती में गई थी, आज भी वहीं जा रही हूँ। तू मछुआरों की बस्ती में गई थी? यकीन नहीं हो रहा है ना? अब लगता है अरमान होगा, अब चलती हूँ। मैं जानती हूँ अपना दुख भुला के मुस्कुराना तेरे लिए कितना मुश्किल है। भगवान तुझे जल्दी कोई ऐसी खुशी दे कि तू फिर से हंसने मुस्कुराने लग जाए। Well, तुम पूरे 3 मिनट 22 सेकंड लेट हो। टाइम देखा है तुमने? 8 बजे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। डोंट वरी, तुम लेट नहीं हो। लेकिन तुम तो, और जो वेट नहीं कर सकते ना उन्हें किसी को वेट करवाने का भी हक नहीं है। अब लेट नहीं होंगी। अरे मुझे तो लगा कि तुम कहोगी कि इंतजार कराना लड़कियों की अदा होती है। अनुभव को इंतजार करना और कराना दोनों ही पसंद नहीं था। और तुम अनुभव जैसा बन रहे हो। बुआ के वजह से लेट हो गई। एक्चुअली आज अनुभव की बुआ की शादी है। ओ, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी ना? मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। बैक सीट पे जाके चेक करो। गो गो चेक इट आउट। ये क्या है? चॉकलेट। वो तो मुझे भी दिख रहा है पर इतनी सारी चॉकलेट्स क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ बस्ती चल रहा हूँ और हम ये सारी चॉकलेट्स हम बच्चों को बांटेंगे। ग्रेट। मैं भी सोच रही थी कि बच्चों के लिए कपकेक्स लेकर जाऊं। तो कपकेक्स भी ले चलते हैं। सल्वी कम। स्माइल प्लीज। देखिए मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के लिए इस समय मुस्कुराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी सोचिए कि अन्नू को कितना बुरा लगेगा कि उसके बुआ के शादी में किसी ने मुस्कुराया तक नहीं। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि अनुभव हमारे बीच है। आप सही कह रहे हैं, अन्नू हमारे बीच में ही है। हम ये फोटो हम अन्नू के साथ ही खिंचवाएंगे। ये वो दिन है जिसका हम सब परसों से इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर गोली बुआ। इस खुशी के पल में हम सब खुलकर खुश नहीं हो सकते, लेकिन गोली बुआ के लिए मुस्कुरा तो सकते हैं ना, ताकि जाते जाते वो हमारे परिवार की हंसी खुशी की यादें अपने साथ ले जा पाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.